जब हमारा आप ही अगर घर में रसोई का काम करती हैं, रोटी बनाते समय रोटी चूल्हे में पड़ी है, अगर आपका मन कहीं और है तो वो रोटी जल जाएगी, ना आप खा पाएंगे ना दूसरों को खिला पाएंगे। तो इसी प्रकार कथा भी है, अगर आपका मन लगा है तो ये फल रोटी रूपी ये रोटी आपको तभी मिलेगी जब आपका यह बुद्धि आपका मन एकाग्र होगा। भगवती का स्मरण करते हुए उनके चरणारविंदों का ध्यान करते हुए कथा को सुनना चाहिए। महाराज इसके कुछ नियम है तो बताया, कोई नियम नहीं है। मासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमो पिबा सदा सेव्यम सदा सेव्यम देवी भागवतम नरहि। जो व्यक्ति भगवती की कथा को श्रवण करना चाहता है वो सदा सर्वदा वो कथा सुन सकता है, उसके लिए कोई नियम नहीं। मास महीना साल कुछ नहीं देखा जाता, जब भी उसका मन पड़े कथा श्रवण करे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवती का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए। तो बोले कुछ तो विशेष होगा, बोले हाँ विशेष है। आश्विने मधुमा सेवा तपो मासे सुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात फलदायकम्। बोले जो विशेष रूप से, कितनी नवरात्रि होती हैं? चार। जो इन चार नवरात्रों में चैत्र नवरात्र माघ आषाढ़ इस प्रकार से जो इन चार नवरात्रों में भगवती की कथा श्रवण करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। विशेष फल की प्राप्ति होती है। जब उन्होंने प्रश्न किया कि कोई विशेष बताइए, तब विशेष बताया कि विशेष नवरात्रों में जो भगवती का स्मरण कर रहा है या करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती। नवरात्र तो चल रहे हैं, आज प्रथम दिन है प्रतिपदा है, और इस नवरात्रों के पावन पर्व पर भगवती आज हमारे गांव पर विराजमान होकर के हमें आज आशीर्वाद से कृतार्थ कर रही है। भगवती की बहुत बड़ी महिमा है। तथा न गंगा न गया काशी नानै मिशन नो मथुराम न पुष्करम पुनाति सत्यो बदरी वनम नो यथा हि देवी मखेख विप्रह। जो भगवती की कथा को श्रवण करता है उसे गंगा गया काशी नैमिषारण्य क्षेत्र मथुरा पुष्कर आदि स्थानों पर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने आप ही वह फल प्राप्त हो जाता है जो देवी भागवत को श्रवण कर लेता। जब इतनी महिमा श्रवण कराई सौनकाद ऋषि, सूत जी महाराज से कहते हैं प्रभु हम आतुर हैं कथा सुनने के लिए, आप कथा श्रवण कराए। तो क्या ऐसी कोई कथा है? बोले हाँ, जो भगवती का एकमात्र चिंतन किया जाए, भगवती सब कुछ प्रदान करने में सामर्थ है जो भगवती का स्मरण करता है। तो बोले ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए। तब सूत जी महाराज ने सौनकाद ऋषियों को कथा श्रवण कराई। सत्राजित भोज वंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्याराधेन युक्तो भक्तश्च परमा सखाः। सत्राजित नाम का एक राजा था, ध्यान से सुनिएगा। सत्राजित नाम का, आप भागवत में भी ये कथा श्रवण करते हैं। सत्राजित जिनकी पुत्री थी सत्यभामा, ये भगवान सूर्य के बड़े उपासक थे, परम उपासक। भगवान सूर्य इनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, इनको स्मंतक मणि दे दी। और सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया। उस मणि का इतना प्रताप
कि वो मणि को जैसे ही रखते, अगर जिस स्थान पर दुर्भिक्ष है, अकाल है, महामारी है, सदा सर्वदा के लिए वो दूर हो जाती थी, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता। उस मणि को जैसे पा गए, उस मणि को पा करके अपने स्थान पर आए, घर पर आए, उस मणि को स्थान दिया और विराजमान करके उस मणि का पूजन किया। गांव नगर ग्राम में सबको पता चला, भैया ऐसे लगता है कि भगवान सूर्य साक्षात उतर आए हों। सब दौड़े दौड़े गए और दौड़े दौड़े जाकर के भगवान श्री द्वारिकानाथ श्री कृष्ण से कहते हैं, महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अरे देखिए, हमारे द्वारिका में साक्षात सूर्यदेव उतर कर चले आए। भगवान हंसने लगे, बोले नगर वासियों, ये कोई सूर्य नहीं आ रहा है, अभी तो सूर्य का भक्त आ रहा है सत्राजित। उसने मणि को धारण कर रखा है और मणि की इतनी महिमा है। अच्छा, और उस मणि को धारण करके सत्राजित भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नाथ की नगरी में पहुंचा और जैसे ही महल में प्रवेश किया, उसके प्रकाश से सबकी आंखें चौंधिया रही थी। इतना प्रकाश, लगता तो नहीं है कि कोई सत्राजित नाम का राजा पहन करके आ रहा है, हमें तो नहीं लगता ऐसा। अरे हमें तो ऐसा ही लग रहा है जैसे साक्षात सूर्य भगवान उतर करके आ गए। उस मणि को धारण किए हुए सभा में जैसे ही पहुंचे सत्राजित, सम्मान किया द्वारिकाधीश ने। देखिए, अभिमान तो हर व्यक्ति को खा जाता है, थोड़ी सी अगर उसे प्रभुता मिल जाए तो अभिमान हर व्यक्ति को नष्ट कर देता है। सत्राजित के भी अभिमान आ गया जीवन में, और भगवान कहते हैं जहां अभिमान होता है वहां मैं नहीं होता हूं। भगवती कहती हैं जहां पर अभिमान होता है वहां पर मैं नहीं रहती हूं। सत्राजित के अभिमान आ गया, क्या उसने मणि प्राप्त कर ली, और उस मणि का इतना प्रताप कि अगर उसका नित्य पूजन किया जाए, नित्य 8 भार सोना देती थी, इतना सोना, इतना धन कि लोग देख देख करके सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएं, इतना धन कैसे प्राप्त हो रहा है। बोले ये मणि की महिमा है, समंतक मणि की। उस मणि को धारण करके जैसे ही भगवान की सभा में गया तो अहंकार से भर गया, देखो इस मणि का इतना प्रताप कि सब मुझे सम्मान दे रहे हैं, सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। उसके अंदर अभिमान आ गया और अस कोई नहीं जनमा जगम, यह चीज हमें दे दीजिए। अरे सब कुछ मांग लो, पर भैया उसको मत मांगना, उसमें हमारी जान अटकी हुई है। हमें मांग लो, हमारी जान को मांग लो, परंतु आप उस वस्तु को मत मांगो। सत्राजित ने भी यही कहा, लेकिन भगवान हंस पड़े, बोले मैं तो तुम्हारा भला चाहता था, क्योंकि देखिए जहां संपत्ति होती है तो संपत्ति अगर जहां लक्ष्मी जाती है, लक्ष्मी का उपयोग करो, उपभोग करो, अगर लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी को अगर संचित करके रखोगे तो वह विनाश का कारण बन जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मति भ्रष्ट हो जाती है, फिर वो हमारी संतति को कष्ट पहुंचाती। धन की पहली गति है दान, 3 गति है। दान कर दोगे तो कल्याण होगा, पुण्य मिलेगा। अगर आप दान नहीं कर सकते हैं उसका फिर उपभोग कर लीजिए उस संपत्ति का, उसको रखिए मत। अगर आप रख लेंगे तो आपके विनाश का कारण बन जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। तो लक्ष्मी को कभी भी संचित नहीं करना चाहिए, उसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, या तो स्वयं भोग लो उसको या तो दान कर दो। आप दान भी करते जाइए, भोगते भी जाइए, लेकिन तीसरी गति ना होने पाए। तीसरी गति है विनाश, लक्ष्मी मति भ्रष्ट कर देती है और वह पतन का कारण बन जाती है। यही हुआ सत्राजित के साथ।
सत्राजित ने भगवान श्री द्वारिकानाथ ने मणि मांगी, सत्राजित ने नहीं दी। उसका भाई प्रसेन, मणि का प्रकाश तो था ही, अंधकार को दूर करने वाली मणि होती है, उस मणि को गले में धारण करके उसका भाई शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। और वन में जैसे बहुत दूर सुदूर प्रांत पे निकल गया, जैसे वन पर पहुंचा तो एक सिंह ने देखा और मणि का प्रकाश पड़ा, वो झपटा और प्रसेन को पंजों से धराशाही कर दिया। प्रसेन मर गया और मणि को ले लिया।